आज हम सभी आज हम हजरत इमाम हुसैन साहब को उनकी शहादत के ऊपर करबला के शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं और आज पूरा हिंदू धर्म के लोग आपसी भाईचारे के साथ उन करबला के शहीदों को याद कर रहे हैं और इमाम हुसैन साहब को शहादत जिनकी हुई थी करबला में उन्हें याद करके हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली। और आज यहां से हम पूरे मुल्क में और पूरे विश्व में पूरी दुनिया में ये पैगाम भेजना चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मजहबों के लोग भाईचारे के साथ यहाँ पे जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है, ये मंजर यहीं पे देखने को मिलेगा कि आज शहादत के ऊपर श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदू धर्म के लोग भी यहाँ शामिल हुए हैं। और साथ में मैं सरकार से ये कहूंगा कि आज जितना धूम जितना बड़ा एक हजारों की तादाद में मेरे मुस्लिम भाइयों ने श्रद्धांजलि दी है, कश्मीर में भी ऐसे मुहर्रम के जुलूस निकलने दिए जाने चाहिए। बेशक बेशक। और साथ हम सरकार से ये भी मांग करेंगे कि जो केंद्र सरकार ने हमें ये कहा था कि वो भाईचारे के लिए दोस्ती का हाथ कश्मीर में बढ़ाएंगे और हम ये चाहते हैं कि वो कश्मीर में हाथ दोस्ती का बढ़ाएं, जम्मू कश्मीर में दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और दिलों की दूरियां जो कहा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो दिलों की दूरियां जम्मू कश्मीर और कश्मीर के नौजवानों के बीच में दिलों की दूरियां कम करें। देखिए हम जम्मू के लोग सारे यहाँ पे भाईचारे के साथ ये जुलूस निकाल रहे हैं और एक साथ है, इससे बड़ा भाईचारे की मिसाल कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी। और विश्व में दुनिया में हम ये कहना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में लोग भाईचारे के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं और हमें अमन के साथ रहने दिया जाए। इस मौके के ऊपर सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम इमाम हुसैन साहब के भाईचारे का सबक के ऊपर हम चले और उनकी जो जो भाईचारा और मजहबी रवायत कायम करने के लिए उन्होंने शहादत दी थी भाईचारे के लिए मजहबों में प्यार मोहब्बत के लिए, उनके बताए हुए रास्ते पे चले, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें भी इस मौके के ऊपर शामिल होने के लिए मौका दिया और हमें भी चाहेंगे कि इस मौके के ऊपर हम दुआ करेंगे इमाम हुसैन साहब से कि वो हमारे जम्मू कश्मीर में अमन शांति भाईचारा पैदा करें। आमीन। और जो हमसे खोया हुआ है, जो हमसे छीना हुआ है, वो सब हमें वापस मिले। मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि इस समय राजनीति का समय नहीं है, भाईचारे का पैगाम देने का है और हम जम्मू के कश्मीर में हिंदुओं की तरफ से तमाम मजहबों की तरफ से भाईचारे का पैगाम और इस मुहर्रम के इजलास में शामिल किया है।